हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वंस अगेन दिस इज प्रोफेसर दानी खंडेलवाल लाइव फ्रॉम मुंबई, राइट। मेरे जो प्यारे दोस्त हैं ओल्ड सिलेबस वाले, जो किसी कारण बस पास नहीं हो पाए सीए फाइनल में, उनके मुझे काफ़ी कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ थोड़ा गाइड करिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप लेके आपको एक एक चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए, पहले आपका जो एएमए था, एएमए में दो पार्ट थे आपका, एक था कॉस्टिंग और दूसरा आपका था फ्रेंड्स ओआर। कॉस्टिंग वाला पार्ट आपका एज इट इज है, देर इज नो चेंज। एज इट इज आपका है, देर इज नो चेंज। कोई भी टॉपिक इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये डिलीट हो गया है, वो मैं आपसे बात करता हूँ कि अपन को इस केस में क्या करना चाहिए। रहा ओआर में, ओआर में सिर्फ आपके पास अब दो टॉपिक बचे हैं, एक है लर्निंग कर्व थ्योरी, एक लर्निंग कर्व थ्योरी, और दूसरा है आपका एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग कर्व थ्योरी और एलपीपी। अगर कॉस्टिंग में बहुत सारे प्रोफेसर्स आपको बोलेंगे कि सर्विस सेक्टर निकल गया है, इंस्टीट्यूट भी ये बोल रहा है कि सर्विस, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि सर्विस सेक्टर के बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आपको दे रखे हैं, राइट। स्पेसिफिक जो सेक्टर है उसके बहुत कम क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि यू आर गोइंग टू बी ए इंटरनेशनल कॉस्ट कंसल्टेंट, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मुझे ये स्पेसिफिक सेक्टर या सर्विस सेक्टर नहीं आता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि प्लीज़ अगर आपके पास कुछ भी मटेरियल अवेलेबल है तो आप सर्विस सेक्टर भी इसमें करके जाइए। सर्विस सेक्टर या स्पेसिफिक सेक्टर जो आपको दे रखे हैं, जैसे पावर हाउस का है, आईटी सेक्टर का है, या सपोज टोल प्लाजा का है, राइट, होटल, हॉस्पिटल, ये सब आप जरूर से करके जाइए, क्योंकि ये आपका डिसीजन मेकिंग में भी वो आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज आप ये छोड़िए नहीं। दूसरा, ओआर में, ओआर के बाकी के सारे टॉपिक निकल गए, लेकिन लर्निंग कर्व और एलपीपी, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं वो बहुत डिटेल में ये टॉपिक्स नहीं करते, राइट। जबकि अगर आप देखेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, चाहे वो ट्रांसफर प्राइसिंग हो, कई जगह पे फुल क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट के दे रखे। तो उससे पहले आपको लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, राइट। उसके अलावा एलपीपी, एलपीपी में फ्रेंड्स आपका था एक ग्राफिकल है और एक सिंप्लेक्स है। बहुत सारे प्रोफेसर ये बोलते हैं कि सिंप्लेक्स नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जहां पे मल्टीपल की फैक्टर है, तो वो प्रॉब्लम ग्राफिकल से सॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए सिंप्लेक्स करना बहुत जरूरी है। तो मेरे जो ओल्ड सिलेबस वाले फ्रेंड है, मैं उनको बोलूंगा कि एटलीस्ट एक सम मैक्सिमाइजेशन का और एक सम मिनिमाइजेशन का, सिंप्लेक्स का भी हमको करके जाना चाहिए, ओके। तो ये रहा आपका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आपका एज इट इज है, पहले भी स्टैंडर्ड था, अभी भी स्टैंडर्ड है। पहले आपका मार्जिनल कॉस्टिंग था, अभी वो डिसीजन मेकिंग हो गया है। डिसीजन मेकिंग यू कैन डिवाइड इन थ्री। डिसीजन मेकिंग को इन लोगों ने क्या किया है, डिसीजन मेकिंग को तीन में डिवाइड किया है। एक आपका है मार्जिनल, मार्जिनल वाला पार्ट, इट मीन्स आपका बीपी वाला पार्ट है। दूसरा आपका शटडाउन वाला पार्ट है, आपका शटडाउन वाला पार्ट है, और आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग है, राइट। इसके दो पार्ट है मार्जिनल का, एक बीपी और एक लिमिटिंग फैक्टर। तो आप मुझे बताइए ना, कौन सी चीज आपकी ऐसी है जो निकल गई है। स्टैंडर्ड आपका ऐसा है, डिसीजन मेकिंग में हाँ क्वेश्चंस थोड़े कम दे रखे हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि एक डीकेसी जो हम लोगों ने प्लस बुक बनाया है, व्हाट इज डीकेसी प्लस बुक, डीकेसी प्लस बुक फ्रेंड्स, अगर आपको आईसीआई का मॉड्यूल करना है तो हमारे पास आईसीआई का ओल्ड मॉड्यूल भी है और न्यू वाला मॉड्यूल भी। मैंने आईसीआई फॉर्मेट में पूरा अपना जो डीकेसी आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसको डीकेसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करके दिया है। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हो। और डीकेसी प्लस क्या है कि डीकेसी में अब आपको मॉड्यूल का जब क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो थोड़े टफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके लिए बेस बनाने के लिए, आपको रिवाइज करने के लिए, बेस बनाने के लिए आपको डीकेसी करना जरूरी है। तो डीकेसी प्लस आपका आईसीआई मटेरियल, बट आईसीआई मटेरियल ओनली इन डीकेसी फॉर्मेट,
तो आपके पास जो नया लेटेस्ट जो आईसीआई का मॉड्यूल है वो मैंने डीकेसी फॉर्मेट में सॉल्व किया है, तो आप वो ले सकते हैं। बराबर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका एज इट इज है, डिसीजन मेकिंग आपका एज इट इज है, टारगेट कॉस्टिंग पहले भी था अभी भी है, थ्रू आउट अकाउंटिंग पहले भी था अभी भी है, ट्रांसफर प्राइसिंग पहले भी था अभी भी है, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग पहले भी था अभी भी है, बजटरी कंट्रोल पहले भी था अभी भी है, कौन सा ऐसा है आपका TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पहले भी था अभी भी है, लाइफ साइकिल पहले भी था अभी भी है, आप मुझे बताइए ना, काइजन कॉस्टिंग पहले भी था अभी भी है, बैलेंस स्कोर कार्ड पहले भी था अभी भी है, कुछ भी एज फार एज द कॉस्टिंग पार्ट इज कंसर्न, कॉस्टिंग पार्ट इज कंसर्न देर इज नो चेंज। आपका ओल्ड तो है ही है प्लस थोड़ा न्यू एडिशन है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ करके, लेकिन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, राइट? तो पहले अपना ये बात हुआ कि भाई आपके पास जो कॉस्टिंग का पार्ट है वो है ही, ओआर के दो आपके हैं, तो अब आपका तीन पार्ट में डिवाइड होगा, SCMP, बराबर, एक आपका हार्ड कोर कॉस्टिंग, एक आपका ओआर और एक आपका केस स्टडी। ये भी अभी आपका रिवाइज्ड इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी डाइजेस्ट आपको दिया है, रिवाइज्ड केस स्टडी डाइजेस्ट आपको दिया है। अब मैं आपके वन बाई वन आंसर कर दूंगा, कॉस्टिंग आपका जो पहले था वो है, प्लस थोड़े से आपके टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं, राइट? बैलेंस स्कोर कार्ड आपको पहले से था, बहुत सारी चीजें आपको पहले से थी और अभी भी है, राइट? तो स्टैंडर्ड ये कॉस्टिंग के अंदर थोड़ा सा आपका एडिशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओआर में आपके दो ही टॉपिक हैं, एक आपका है लर्निंग कर्व थ्योरी और एक आपका है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, केस स्टडीज के लिए आपको। लेकिन फ्रेंड्स, अब जैसे अपन बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो प्रिपरेशन करने के लिए फ्रेंड्स पहले मैंने आपको क्या बोला कि टोटल 12 टॉपिक्स हैं। बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं वो बोलते हैं कि कॉस्टिंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर छोड़ देना चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेसिफिक सेक्टर आपको छोड़ देना चाहिए, अगर आप ये छोड़ते हैं तो आपके 11 टॉपिक बचेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं आपको 12 करने चाहिए। लेकिन ये 12 टॉपिक करने के बाद ही आप केस स्टडी कर सकते हैं, ये 12 टॉपिक करने के बाद ही आप केस स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी के अंदर आपके केस स्टडी क्वेश्चन है, केस सिनेरियो के क्वेश्चन है और स्किल बेस्ड आपके जो क्वेश्चन है वो भी है। केस स्टडी में आपका केस स्टडी हार्ड कोर केस स्टडी है, आपका केस सिनेरियो वाले हैं, सिनेरियो ऑफ केस स्टडीज है और आपका स्किल बेस्ड असेसमेंट के जो क्वेश्चन है वो भी आपको है। लेकिन उसके पहले आपको ये 12 टॉपिक्स करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको DKC क्या हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में, DKC आपको आपके प्रिपरेशन में क्या हेल्प करेगा। नंबर वन, क्योंकि आपने पूरा कॉस्टिंग कर रखा है, बराबर, कॉस्टिंग में देर इज नो चेंज, तो कॉस्टिंग में दिस इज ए कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में आप DKC प्लस बुक प्लस DKC प्लस बुक का सॉल्यूशन प्लस ICAI मॉड्यूल इन DKC फॉर्मेट, इन DKC फॉर्मेट, पहले DKC प्लस बुक आप लीजिए, DKC का सॉल्यूशन बुक आप ले लीजिए और DKC का ICAI का जो मॉड्यूल है लेटेस्ट मॉड्यूल, रिवाइज्ड वाला लेटेस्ट मॉड्यूल इन DKC फॉर्मेट वो आप ले लीजिए। आप लेने के बाद सारे चैप्टर्स को पहले ऑडिट कर दीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। जब आपका DKC प्लस बुक हो जाता है उसके बाद ICAI का जो मॉड्यूल है उसके सारे क्वेश्चन आप ऑडिट कर दीजिए। आपको क्या करना है, पहले ऑडिट करना, ऑडिट जब आपका ये कंप्लीट हो जाए ऑडिट, अगर आपको लगता है आपको सब याद है नो प्रॉब्लम, अगर आपको याद नहीं है तो फिर फ्रेंड्स ये केस में आपको वीडियो खरीदना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद आ जाता है, टिक करने से आपको ऑडिट करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको ऑडिट करना है, अगर आपको ऑडिट करने से याद आ जाता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं।
आर यू फॉलोइंग मी राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो फिर ये पर्टिकुलर केस में आपको हमारे वीडियोस परचेज करने पड़ेंगे। अब मेरे वीडियोस में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, वीडियो परचेज करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही पूरी इंडिया में सबसे मिनिमम कॉस्ट हमारा है। आप अगर कॉपर गेट में कॉल करेंगे 9920443322, आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में मेरे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे वीडियो नहीं चाहिए, तो फिर अगर कोई अदर फैकल्टी के चाहिए तो वो भी हम लोग सेल करते हैं, वो भी आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है, 9920443322 पर कॉल करना है और आपको डीकेसी कोड यूज करना है। अगर आपको डीकेसी कोड यूज करोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट जो प्राइस हो सकता है, अगर आप मेरा इंडिविजुअल करेंगे डीकेसी का अगर वीडियो खरीदेंगे, वो तो ऑब्वियसली बहुत कम प्राइस पे और बहुत सारे व्यूज हैं उसमें। अगर आपको लगता है दो फ्रेंड मिलके भी वो ले लें, दो बार पांच बार हम लोग व्यूज देते हैं करके, कोई बच्चा बोलता है सर मेरा रह गया, मेरा ये हो गया, ऐसा नहीं है, फाइव टाइम्स आप देख सकते हैं, दो फ्रेंड मिलके भी ले सकते हैं। तो आप वीडियो, ये वीडियो आपको कब खरीदना है, जब अगर ऑडिट करने में आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, बराबर? अगर आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें हमने क्या कवर किया है कि पूरा कॉस्टिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट विद आपका ओआर के दोनों टॉपिक, कौन कौन से, लर्निंग कर्व थ्योरी इन डिटेल एंड एलपीपी इन डिटेल, ये पूरा की पूरा आपका कवर किया है। उसके अलावा आपको आईसीआई का जो मॉड्यूल है, लेटेस्ट वाला मॉड्यूल, वो भी अपने फॉर्मेट में सॉल्व करके दिया है, अपने फॉर्मेट में सॉल्व करके दिया है, बराबर? वो वीडियो में नहीं है क्योंकि वीडियो पहले बनेंगे। अच्छा, अब आपका एक क्वेरी आता है, सर आपके वीडियो तो बहुत पुराने। अरे माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताइए यार, यू आर ए सीए फाइनल स्टूडेंट। फ्रेंड्स, हमारे लिए हमारी गुडविल मेन है, हमारा, हमको कोई क्लास चला के या हमें कोई वीडियो बेच के हमारी जिंदगी नहीं चलानी है, हमको डीकेसी को ब्रांड बनाना है। द मोमेंट, आप मानेंगे नहीं फ्रेंड्स, द मोमेंट जब मैं जाता हूँ कोई भी कंपनी में जाता हूँ और कंपनी को पता चलता है कि भी हमने दानिश सर को आपका कॉस्ट एडवाइजर अपॉइंट किया है, और पता चलता है कि मेरा स्टूडेंट ही वहाँ का अकाउंटेंट है, तो जो कंफर्ट लेवल है वो जबरदस्त आ जाता है फ्रेंड्स। वो जो कंफर्ट लेवल है ना स्टूडेंट के साथ, वो जबरदस्त आ जाता है। मालिक को, ओनर को जब वो बोलता है अकाउंटेंट कि दानिश सर वॉज माई प्रोफेसर, दानिश सर वो पर्सन है जिन्होंने, जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था, पूछिए आप अपने सीनियर्स को, जब ये वीडियो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था मैंने अपने सारे कॉस्टिंग के वीडियो फ्री में डाल दिए थे यूट्यूब के ऊपर। दानिश सर वॉज द पर्सन जिन्होंने आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट एफर्ट जो एग्जाम में आपको मिलता है वो हमारे एफर्ट से आपको मिला। दानिश सर वो पर्सन है जिसमें आपको एग्जम्पशन 60 मार्क्स जो आप लाते हो ना, और दूसरे पेपर में, पहले हमारे ज़माने में अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए तो दूसरे पेपर में 30 मार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके रेस्पेक्टेड उत्तम जी अग्रवाल को मैंने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तब जाके ये सारी चीज़ें मनाई गई है करके। तो फ्रेंड्स, हमें हमारी गुडविल का है। आप मुझे बताइए, जब से कॉस्टिंग बना है, सेलिंग प्राइस ही है, वेरिएबल कॉस्ट ही है, कॉन्ट्रीब्यूशन ही है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ही है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल ही है, बीपी का आपको मैं बोलता हूँ, मेरे कई भाई देखो फ्रेंड्स, उनका बिजनेस है, हम भी बिजनेस करते हैं, हमारे कॉपर गेट में हम भी वीडियोज बेचते हैं। वो प्रोफेसर का जो मेन बिजनेस है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है, मेरा मेन बिजनेस स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है। मेरे लिए आपका इम्पोर्टेंट, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। कल को आप ये बोलो कि नहीं यार दानिश सर चोर है करके, वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम आपके हिसाब से नहीं 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 पढ़ाएंगे, हम हमारे हिसाब से पढ़ाएंगे, हम जो बेस्ट है वो पढ़ाएंगे। मैंने पूरा जीवन अपना कॉस्टिंग को दिया है, आज मेरे पास जो कुछ है, जो भी मेरे पास कुछ है वो मेरे कॉस्टिंग की वजह से है, तो कॉस्टिंग में मैं कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता। तो प्लीज आप ये बार बार फोन करके मत पूछिए कि सर लेटेस्ट रिकॉर्ड क्या होती है लेटेस्ट रिकॉर्डिंग। आप मुझे बताइए, जो मॉड्यूल आया था वो मॉड्यूल एज इट इज, और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए। अब जो बच्चों ने पुराना रिकॉर्डिंग ले लिया तो क्या मैं उनको हर 6 महीने में बोलूं रिवाइज्ड है, अमेंडमेंट आ गया है, ऐसा कैसे चलेगा फिर? आप मुझे बताइए, मुझे बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करना, तो हम आपको क्लियरली बोल देते हैं हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो फर्स्ट आपका मॉड्यूल आया था उसके साथ है, और उससे खरीदने से पहले
खरीदने से पहले आप मेरा डीकेसी का बुक देख लीजिए, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लीजिए, हमने क्या कवर किया है पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप पूरा देख लीजिए, बाद में आप प्लीज मत बोलिए कुछ। ओके, डेट से फ्रेंड्स आप प्लीज, यू आर ए सी ए फाइनल स्टूडेंट, आप इस तरह की बातें करते हो वो चीज बिल्कुल भी नहीं जमती कि ये आपका ओल्ड है, इसमें अमेंडमेंट आ गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉस्टिंग का कंसेप्ट हमें, इट्स नॉट ए इनकम टैक्स फ्रेंड्स, इट्स नॉट आईडीटी कि आपको अमेंडमेंट आएगा। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लॉ में होती है अमेंडमेंट, इट्स अ कॉस्टिंग, इट्स अ फंडामेंटल। जब से कॉस्टिंग बनाए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ही होता है। ये सारी चीजें पहले हम थ्योरी में पढ़ते थे, चाहे वो बैलेंस स्कोर कार्ड है, चाहे वो टारगेट कॉस्टिंग है, चाहे वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, पहले हम लोग थ्योरी में पढ़ते थे। अब वो चीजें उन्होंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया है, दैट इज ए केस स्टडी। और केस स्टडी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ये बताइए फ्रेंड्स कि जब इतनी अच्छी तरीके से, जब इतनी अच्छी तरीके से मेरे जितने भी कलीग्स हैं इतनी मेहनत करके, अगर उन्होंने कॉस्टिंग की थ्योरी और कॉस्टिंग के केस स्टडीज यूट्यूब पर फ्री में डाल रखे, इतनी मेहनत करके, इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसरों ने इतनी मेहनत करके ये कॉस्टिंग का थ्योरी और कॉस्टिंग के केस स्टडीज डाले हुए, नो डाउट वो लोग भी रीड करके ही बोलते, कोई नया केस स्टडीज वो लोग नहीं पढ़ाते, जो उसमें मॉड्यूल में दे रखा है वही रीड करते हैं और वही एक्सप्लेन कर देते। आप मुझे बताइए क्या मुझे वो चीज रिपीट करके आपसे पैसा चार्ज करना चाहिए? फ्रेंड्स हमारे पास हर तरह के बच्चे रहते हैं, हमारे पास ऐसे भी बच्चे रहते हैं दे कांट अफोर्ड द फीस, तो हमें तो ऐसा कॉम्बिनेशन उनको देना पड़ेगा जहाँ पे मिनिमम प्राइस में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। मैंने आपको क्या बोला, उसके लिए सबसे पहले आप डीकेसी का जो प्लस बुक है, क्वेश्चन बुक सॉल्यूशन बुक, बराबर आईसीआई का जो मॉड्यूल है, आईसीआई का जो मॉड्यूल है लेटेस्ट वाला मॉड्यूल इन डीकेसी फॉर्मेट मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पूरे वीडियोस आप देख लीजिए, आपको कैसा लगता है वो मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। अगर आपका काम हो जाता है तो केस स्टडीज थ्योरी आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आपका एक रुपया आपको किसी को नहीं देना है, आपका काम हो जाएगा। आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो वीडियो भी चाहिए, वीडियो एकदम चीप प्राइस, एकदम मिनिमम कॉस्ट में, मैंने आपको क्या बोला 9920443322 कॉपर गेट में अगर आप कॉल करेंगे आपको मिनिमम प्राइस पर, बेस्ट से बेस्ट प्राइस पर ये चीजें मिल जाएंगी। इसका मतलब आपको क्वेश्चन बुक मिलेगी, आपको सॉल्यूशन बुक मिलेगी, आपको आईसीआई का मॉड्यूल मिलेगा और मेरे वीडियो मिलेगी, और वीडियो भी आप 5 टाइम्स तक व्यू कर सकते हैं, 5 टाइम्स तक, एग्जाम्स तक आप 5 टाइम्स तक उसको व्यू कर सकते। रही बात आपकी, जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद आपका केस स्टडी जाता है, तो केस स्टडी के लिए और थ्योरी के लिए मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर, मेरे प्यारे प्यारे प्रोफेसर उन्हें यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो प्लीज यू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट करके ना, तो दैट वे आपका काम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि कहीं मेरे किसी आइडिया की या मेरी कहीं पे भी आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि सर हमारी ये क्वेरीज है, प्लीज़ आप हमारी ये क्वेरी क्लियर करिए, आप मुझे 9820, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9820309 आप मुझे इसके ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए आपकी क्या क्वेरी है, आपको कहाँ परेशानी हो रही है, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट ओल्ड से न्यू सिलेबस में आए हैं उनको क्या करना है, आप, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, जो स्टूडेंट ओल्ड से न्यू में आए हैं उनको क्या करना है, पहले दिमाग में से निकाल देना है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए यू रिफर डीकेसी प्लस बुक प्लस डीकेसी प्लस बुक सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन डीकेसी प्लस, व्हाट इज डीकेसी प्लस, इट मीन्स डीकेसी के बेस क्वेश्चन है और मॉड्यूल के क्वेश्चन है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, आईसीआई का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है, आईसीआई का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसको डीकेसी फॉर्मेट में सॉल्व किया हुआ है, तो उसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, ये सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, ये सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा वीडियो आपको फ्री में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा वीडियो आपको फ्री में मिल जाएगा। आप इसको ऑडिट करिए, ऑडिट करके अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हमारी वीडियो खरीदने की जरूरत नहीं है, आपका काम जीरो कॉस्ट में हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर वीडियो खरीदना है, तो फिर
2044-3222 कॉपर गेट में अगर आप कॉल करेंगे तो आपको मिनिमम प्राइस पर डीकेसी कोड आप यूज करके आप बोल सकते हैं अंदानी सर के ओल्ड स्टूडेंट है, मिनिमम प्राइस में, मिनिमम टू मिनिमम, बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद जब 1 to 12 टॉपिक्स आपके हो जाएंगे उसके बाद आपका बचता है केस स्टडी। तो केस स्टडी एंड थ्योरी उसको लेके बच्चे बहुत डर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छे वीडियोस मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे रेस्पेक्टेड प्रोफेसरों ने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में डाले हुए हैं, यू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट। उसके अलावा टाइम टू टाइम मैं आपको आरटीपी, टाइम टू टाइम मैं आपको आरटीपी, आपके मॉक टेस्ट पेपर, आपके आरटीपी, आपके लास्ट एग्जाम पेपर, ये सब तो मैं आपको डीकेसी फॉर्मेट में देता ही रहता हूँ। जैसे रिवाइज्ड केस स्टडी कोई आई, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए ना, मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर 9820030925, फ्रेंड्स हमारा रिश्ता है, 9820030925 हमारा बहुत रिश्ता है आपके साथ, आप इस चीज़ को समझो। ओके, तो आई थिंक आपको एकदम क्लियर है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, सबसे पहले आज ही ले लीजिए, आपके पास है, आप कहीं ऑडिट वॉडिट पे तो प्रिंट आउट भी फ्री में निकलवा लीजिए, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी से आप कर लीजिए। डीकेसी प्लस बुक आपको लेनी है क्वेश्चन के लिए, डीकेसी प्लस बुक लेनी है सॉल्यूशन के लिए, पहले वो करिए, फिर आईसीआई का जो मॉड्यूल है, डीकेसी फॉर्मेट में आप वो पूरा ऑडिट कर डाल लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रही बात थ्योरी और केस स्टडीज की, वो आप कर लीजिए। अगर इसके लिए भी आपको वीडियो खरीदना है मेरे प्रैक्टिकल पार्ट के लिए तो आप कॉपरगेट में लीजिए, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। और केस स्टडीज तो आप मुझे बताइए कि आप किसी मिठाई की शॉप वाले के पास जाते हैं, आप उसको बोलते हैं भैया हमको रबड़ी खरीदनी है और 1 kg रबड़ी हमको खरीदनी है, वो बोलता है 200 rupees एंड 20 rupees कंटेनर का लगेगा, एक पीस आपको 220 देना पड़ेगा। आप बोलते हैं भैया मैं अगर घर से ही अपना बर्तन लेके आ जाऊँ तो आपके 20 rupees बच गए कि नहीं बचे? अगर आप घर से ही बर्तन लेके जाते हो और उसको बोलते हो भैया इसमें 1 kg रबड़ी दे दे तो आपके 20 rupees बच गए कि नहीं बच गए? अब अगर दुकान वाला बोलता है नहीं नहीं आपको हमारे कंटेनर में लेना पड़ेगा, तो ये तो गलत बात है ना फ्रेंड्स। उसका अभी इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, उसका इंडस्ट्री में इंप्रेशन पड़ेगा। जब आप क्वालिफाइड होकर जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार इस चीज का क्या वैल्यू था। अगर वो दुकान वाला बोलता है कि भाई अगर आप कंटेनर घर से ले आओगे तो आपके 20 rupees बच जाएंगे, आप क्या बोलोगे? नहीं यार इज अ वेरी नाइस पर्सन करके। तो जब केस स्टडीज थ्योरीज फ्री में मिल रही, इतने अच्छे तरीके से किया हुआ और रीड करके तो सुनाते हैं, कौन सा कोई नया है करके या कौन सा रीड करते हैं सामने एक्सप्लेन, तो उतना तो यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप लॉ के इतने टफ टफ इंटरप्रिटेशन कर देते हो, डीटी इंटरप्रिटेशन कर देते हो, आईडीटी कर देते हो, तो यार कॉस्टिंग थ्योरी को पढ़ना कौन सी बड़ी बात है? और वो भी आपको क्या करना चाहिए मालूम है, केस स्टडीज के टाइम पे पहले एक बार जैसे ही आपका स्टेप वन हो जाएगा, आपके डीकेसी प्लस के सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, डीकेसी मॉड्यूल के आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑडिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी ऑडिट करना है। उसके बाद जब आपका ये हो जाता है ना, एक पहली बात तो ये कि ये करने के बाद ही आप केस स्टडी समझोगे। केस स्टडी में एक 12-12 चैप्टर, 10-10 चैप्टर, 6-6 चैप्टर का एप्लीकेशन है, तो उससे पहले आपको 1 to 12 टॉपिक्स को करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ जा सकते हो। आरिगढ़ी उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप रिलैक्स हो रहे हो, आप खाना खाने बैठे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, टीवी में लगा दिया, यूट्यूब सबके घर में रहता ही है, यूट्यूब पर केस स्टडी लगा दिया, आप केस स्टडी करोगे तो 500 प्रोफेसरों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो भी बेस्ट आपको इंग्लिश हिंदी मिक्स लैंग्वेज जो मिलता है वहां से ले लीजिए, आपको कंटेनर का पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप करिए, एंड होप आपका काम हो जाएगा। आपको 0 rupees भी किसी को देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपकी अंतरात्मा बोलती है कि नहीं यार ये वीडियो मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए या मुझे ये अच्छा लगा, या तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे व्हाट्सअप करिए। थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, डीकेसी ऑलवेज विद यू, जैसे मोम की मोम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर। थैंक यू वेरी मच।